हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नॉट माय मैडम के यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, ये मैं लाया हूँ, कुछ इमरती लाया हूँ, पापा ने मंगाई है और मैं अभी जैसे लेकर ही आया हूँ। जस्ट अभी देखा तो रूम में कोई है नहीं, अभी यहाँ पर लगता है कुछ ऊपर है। तो बेसिकली है क्या, आज जो है कल नवमी था तो आज विजयदशमी है, तो इसलिए जो है कहते हैं आज खाया जाता है, मतलब जलेबी वगैरह खाते हैं, या तो मैं इमरती ले आया। तो अभी मैं सोचता ये रूम पर ही होगी, बट ये रूम पर है नहीं, साइड से ऊपर है, तो शायद उसको पसंद है। मेरे ख्याल से मुझे आइडिया नहीं, शायद उसको पसंद है इमरती, तो उसको बुलाते हैं और देते हैं उसको इमरती की, भाई देखते हैं कैसा उसका रिएक्शन रहता है। सो सो अभी आ रही है वो इमरती, लाए भाई, काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं। भी जनरली हम लोग खाते नहीं, हम लोग मीठा खाना उतना है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है वैसे। ये आ गई मैडम, क्या लाए? देखो तुम क्या है ये? बताओ, बताओ क्या है, दूर से देख के बताओ क्या है। मिठाई तो लग मिठाई है, मिठाई में क्या चीज़ है? रही है, जलेबी होगी। जलेबी से मिलता जुलता ही है कुछ। ये है इमरती, है आज के दिन खाते ना, तो इसलिए मैं ले आया। जरा जाओ। हाँ मिट्टी इमरती, क्या बंगाली में क्या बोलते हैं? अमिट्टी अमिट्टी अमिरती, तो यहाँ दिल्ली में तो इमरती बोलते हैं, अब यहाँ पे अमिरती बोलते हैं, देखते हैं कैसा है। सही है। खैर मैंने तो देखा ये वैसे, ये रहा गाइस, तो ऐसे खा लो प्लेट बाद में है लेंगे, ऐसे खा लो प्लेट बाद में ऐसे लेंगे, ऐसे खा खा लो, कोई नहीं, इसमें रख के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठो, खा के बताओ कैसी है। सही है, तो बढ़िया लगी भाई इमरती। वैसे आज की डेट में काफ़ी महंगी भी हो जाती है, वैसे भी महंगी है जलेबी वगैरह, तो आज ही महंगी हो जाती है। बाकी यहाँ से खाइए और बताइए टेस्ट कैसा है, क्या है, बताओ कैसा है। मस्त है। तो वाइस कुसुम को जो है एक पूरी खानी है, अभी खा लोगे ना एक पूरी, तुम्हें पसंद है तो ये। हाँ तो उसको पसंद है, तो बाकी अब आगे का ब्लॉग ये कंटिन्यू करेगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले खा लूँ भुक्कड़ पहले खा ले, भुक्कड़ पहले खा ले ना? मेरे खाने ना खाते हुए रिकॉर्ड करेंगे, हम लोगों को तो पता चले ये खाती नहीं है। देखो खा नहीं आया, एक इमरती है वो भी नहीं खाई थी ये। देखो मैं खा लेती हूँ, खा लेती है कभी कभी। हाँ मैं थोड़ा ज्यादा मीठा है। तो मिठाई होता, चीनी से बनता तो मिठाई होगा ना गाइस। कोलकाता में एक मिलती है, वैसे ये अभी रस्सा भरा है ना, कोलकाता में ऐसे रस वाला नहीं होगा, सूखा 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 रहता है, मतलब तुम्हें उतना भी सूखा नहीं लगेगा, तुम खा लोगे, मतलब इतना रस नहीं होता, इतना चीनी नहीं होता उसमें, मुझे वो वाला बहुत पसंद है, ये वाला भी मस्त है, टेस्ट कोलकाता की तरह ही है। चलो, कोलकाता का टेस्ट मिल गया दिल्ली में, बढ़िया है। इमरती में अमिरती है, अमिरती में कोई नहीं, खाओ लड़की, खाने दो पूरा। वैसे खाने में क्या बन रहा है आज? आलू की सब्जी पूरी। तो आज आलू की सब्जी पूरी बन रही है, मेरा तो फेवरेट है। तुम्हारा? तुम्हें भी तो पसंद आया मेरा पसंद आ गया, उतना पसंद नहीं है भाई, हमारा तो फेवरेट है भाई। हमने तो भंडारा की आलू की सब्जी, तुम्हें पता ही है कितना हमें पसंद आती है। जैसे क्या पता है, ये लोग दिल्ली में पले बड़े हैं तो इनको पसंद होगी, मैं तो कोलकाता की हूँ, कोलकाता में आलू की सब्जी नॉर्मली मानते हैं, एक निरामिष सब्जी होती है ना जो, वो मानते हैं, आलू की सब्जी उतना किसी को पसंद नहीं है। तो नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये आलू की सब्जी का नॉर्मल नहीं है, जिनको पता है वो जानते हैं। जो भंडारे की जो सब्जी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो सुपर से भी ऊपर होती है, इनको पता नहीं है। ये वहाँ पे गांव में आलू के भुजिया खाने वाले लोग कहते हैं आलू नॉर्मल है, आलू की भुजिया नहीं, तो ये आलू की भुजिया नहीं है, ये भंडारे वाली चीज़, जिन्हें भंडारा खाया भाई, पूरी और भंडारा, ये आलू की सब्जी, तो ये आलू की सब्जी तो उनके लिए तो मोस्ट फेवरेट है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे भाई। आकर पता चला कि ये भी लोग आलू की सब्जी और पूरी इतना शौक से खाते हैं लोग, यस, वही भंडारे की सब्जी किसको पसंद नहीं है, कमेंट में बताओ, सबको पसंद है इन्हें, ये क्या जाने गांव के, और क्या इनको क्या पता है? गाँव में ये सब निरामिष खाते हैं, गाँव में मच्छी भात नॉन वेज ज्यादा पसंद करते हैं, तभी तो दिमाग में ऐसा हो रखा है और भंडारे गाँव में भंडारा वगैरह उतना नहीं होता,
पूजा वगैरह में होती है वो खिचड़ी वगैरह पुलाव वगैरह खिलाते हैं, आलू का दम बनाते हैं, लेकिन आलू की ऐसी जैसी सब्जी यहाँ पे बनती है वैसे नहीं बनती। समझ गया ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मैं ऐसे ही लेटा था, आग लग गई थी, टाइम काफ़ी हो गया, टाइम हो तो देखो 10:30 हो गए, खाना बना कि नहीं बना पता नहीं, तो कुछ बन तो रहा है। अबे ये क्या कर रखा है, अबे ये क्या है, ये लड़की क्यों बना तो रही है? अच्छा पूरी बनाने की तैयारी, ये क्या कर रखा है? ये तो भाई ये तो परेड लगा रखी है, तो ये क्या है, कितनी लगाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। तो अच्छा सही है भाई, सही है तो वाह। ये देखो लाइन से लगा रखी सब्जी। अच्छा चलो कोई नहीं, बना डालो। अच्छा अभी स्टार्ट ही कर रही हो? फूली नहीं गाइस, इसकी 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 बूढ़िया कभी फूलती नहीं है जल्दी से, कभी फूली भी है अभी तक? हाँ जी हाँ, और वो देख क्या हो तो गाइस देखो इसकी इसकी वो नहीं फूली, पूरी नहीं फूली। जाओ भाई सब्जी कहाँ है, इसमें है क्या? अच्छी अच्छी बनाई है तो बढ़िया बनाई है ना, फूलने का मैं बताऊँ तुम्हें कैसे फूलती है पूरी भी पकड़ चलो इसको बनने को। ये नहीं हुआ अभी, ये तुमने गा ली थी ना इसलिए, ये तुमने गा ली थी ना इसलिए बोला है, वैसे पूरा तुमसे तो ज़्यादा ही पूरा है। इसके इसके अगला वाला मैं बताऊँगा, देखना कैसे फूलेगी गाइस, देखना मैं बताऊँगा, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खाने पीने का, लेकिन ये फूट गई थी नीचे से इसलिए फूली नहीं। हाँ तो मैं देखना मैं बताऊँगा इसको बनाओ तो सही, कच्ची लगी ना ये तो, अच्छी तो नहीं है। अच्छा देखो तो मैं बताता हूँ, हाँ अब डालो मैं बताता हूँ कहीं ना, मैं इसको टेक्निक सिखा रहा हूँ फोन लेके, देख रहा कैसे बोलते हैं बताता हूँ। अरे गाइस इसने अच्छे से आटा नहीं बोला इसलिए फूल नहीं रहा है, पक्का कुछ कुछ गड़बड़ा है, पक्की कुछ गड़बड़ा है, नहीं तो मैं फूल मैंने सिखाया था इसको फुलाना कैसे फुलाते हैं, जैसे ये मुँह फुलाती है ना वैसे वो, जैसे ये मुँह फुलाती है ना वैसे वो क्या नाम है पूरी भी फूलती है ना, सही बात है। तो हाँ चलो तो बना लो इसको, भूख भी लगी, बना के फिर देखता हूँ कैसे बना, ठीक है क्यों तो?